बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल। ये क्लास 11 के चैप्टर, अगर सेकंड बुक मानी जाए तो सेकंड बुक के थर्ड चैप्टर का सवाल है द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह, इसमें मैं आज तुम लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ कठिन क्वेश्चन, जिन्हें बच्चे अक्सर पूछते हैं। वह सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 9। ये सवाल बहुत ही कठिन न्यूमेरिकल हैं, अक्सर बच्चे इन क्वेश्चनों को क्लास में पूछते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आप लोग कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, मैं सवाल नंबर 6 बताने जा रहा हूँ आपको। सवाल नंबर 9 अगर नहीं है तो आप पूछ लेना, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। सवाल नंबर 6 और 2, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं, इसीलिए अगर कोई दूसरे क्वेश्चनों में आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि ये सवाल आपको नहीं आ रहे हैं, मैं उनका आंसर अपलोड कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि स्टील की 3 mm त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है, इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए जबकि स्मॉल जी बराबर 10 m/s2। तो बच्चों, यहाँ पर ग्लिसरीन का घनत्व और स्टील का घनत्व नहीं दिया, तो चिंता ना करें, ये किताब है, किताब में सबसे न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में दिए जाती हैं ये वैल्यू। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो तुम्हारे क्वेश्चन के साथ में इनके घनत्व दिए जाएंगे, या फिर पेपर के एग्ज़ाम पेपर के एंड वाले पेज पर ये सभी नियतांक की वैल्यू दी हुई होती हैं। तो सीमांत चाल ज्ञात करनी है, सीमांत चाल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, V बराबर होता है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा। तो देखो बेटा, r बराबर 3 mm है जो मीटर में हो जाएगा 3 × 10⁻³ m। जी हमारा 10 m/s गिवन है, वी हमसे पूछा है। ये है हमारा सिग्मा, सिग्मा जो है हमारा वो स्टील का घनत्व है 8.0 × 10³ kg/m³। रो है, जो रो है वो हमारा ग्लिसरीन का घनत्व है 1.2 × 10³ kg/m³। और ईटा है हमारा श्यानता गुणांक 0.85 kg/m². ठीक, यहाँ पर फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अगर हम इस वैल्यू को रख देते हैं तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 16 cm/s। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है। इसके बाद सवाल नंबर 6 को हम पढ़ेंगे। 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, 6 भी हमसे बहुत बच्चों ने पूछा है। एक समान आकार की 8 बूंदें हैं, जल की 8 बूंदें वायु में सीमांत चाल से 10 m/s की वेग से गिर रही है, कितनी ध्यान रखें 8 बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो नई बूंद का सीमांत वेग क्या होगा, यानी कि ऊपर से गिर रही हैं बूंदें, इस तरह से कुछ बूंदें गिर रही हैं ऐसे ऐसे करके, और ये 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं मिलकर, तो इस बड़ी बूंद का वी हमसे पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है, बड़ी बूंद का वी पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। तो देखो बेटा, हमें गिवन है क्या, कि हमें गिवन है कि जल की कितनी बूंदें हैं, 8 बूंदें, 8 बूंदें लिखी हमने, ये रही 8 बूंदें और इनसे बनी है ये एक बड़ी बूंद जी, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। वी वन हमारी छोटी बूंदों का वेग 10 m/s, तो वी टू हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि छोटी बूंद की त्रिज्या छोटी आर है यानी स्मॉल आर, और बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ी आर है यानी कैपिटल आर। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास 10 गिलास पानी है, कितने गिलास हैं, 10 गिलास पानी है, उस 10 गिलास पानी को अगर मैं एक बाल्टी में करूँ, छोटे छोटे 10 गिलास पानी हैं और इस बाल्टी में इसको कर दूँ पूरे पानी को, तो इस बाल्टी के अंदर जो पानी होगा इस टब के अंदर वो कितने कितना होगा, जितना इन 10 गिलास का, जितना इन 10 गिलास का पानी होगा उतना ही तो इसके अंदर पानी होगा, समझ गए कि नहीं। और अगर दोबारा से इस बाल्टी को गिलासों में किया जाए तो कितने गिलास भरेंगे, फिर से 10 गिलास ही भर जाएंगे। तो इसी तरीके से कि 10 गिलास का आयतन बराबर इस पूरे टब में पानी का आयतन, ठीक है, समझ गए ना, इसी तरह से यहाँ बनेगा कि 8 छोटी छोटी बूंदों का आयतन
बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, क्योंकि ये बड़ी बूंद बनी किससे, उन्हीं आठ बूंदों से तो बनी है, छोटी आठ बूंदों से तो बनी है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर दिस कन्वीनियंस। गलती हुई, एक मिनट, ओके, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि बड़ी एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर n इंटू छोटी बूंद का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R का क्यू और यहाँ होगा स्मॉल R का क्यू, और n की जगह आ जाएंगे हमारी आठ बूंदें, कितनी बूंदें, आठ बूंदें। तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल 2r, टू स्मॉल r। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, V1 बराबर 2/9 r² सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा। समीकरण नंबर एक, ये छोटी बूंदों के लिए सीमांत वेग है। अगला समीकरण है V2 बराबर 2/9 कैपिटल R का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा, ये बड़ी बूंद के लिए सीमांत वेग है। आप लोग जानते हैं कि केवल बूंद की त्रिज्या बदल रही है, बाकी बूंद का ईटा समान रहेगा, रो समान रहेगा, जी समान रहेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे जब मैं फर्स्ट डिवाइड बाई टू करूँगा समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई टू। तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये नहीं बदल रहे हैं, ये नहीं बदल रहे हैं, केवल त्रिज्या बदल रही है। 2/9 2/9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर r² बचेगा, ऊपर अकेला r² बचेगा और नीचे अकेला कैपिटल r² बचेगा। तो V1/V2 बराबर स्मॉल r/R। कैपिटल R की वैल्यू हम जानते हैं कि 2r है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, ये 2r है, तो 2r का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4r² हो जाएगा स्मॉल में, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 बचेगा, तो V बराबर 40 m/s आ जाएगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 के सेकंड बुक क्लास 1st ईयर का, ठीक है। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल में आपको परेशानी हो रही है, चाहे आप 12th क्लास की हों या आप 11th क्लास की हों, कोई भी न्यूमेरिकल में आपको परेशानी आ रही है तो आप न्यूमेरिकल कमेंट में लिख सकते हैं और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अपना जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9758722444, ठीक है, 9758722444। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने किसी भी न्यूमेरिकल को, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको आप कर सकते हैं व्हाट्सअप और आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।